गठबंधन हो महागठबंधन हो, दोनों दूसरे जिले के लोग को टिकट दिए हैं, निश्चित हार जीत तो इन्हीं दोनों के बीच होना है। तो हम तो यहाँ के जो भी जनता जनार्दन हैं उनसे हम प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि अगर ये प्रत्याशी आपसे वोट लेने के लिए आए तो निश्चित आप इन लोगों को कहिए कि आप 2025 के विधानसभा में मोहद्दीनगर में, मोहद्दीनगर के लोग जेपी ने राम मंदिर का मुद्दा रखा, राम मंदिर बनाएं, 370 धारा हटाने का बात किए, 370 धारा हटाएं। तेजस्वी जी जब सरकार में आए तो उन्होंने नौकरी का बात किया, कहा कि तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में 10 लाख नौकरी का वादा किया था, नौकरी दिए, कम ज्यादा नौकरी तो दिए ना, नौकरी दिया। जो जो बात करेगा वो निश्चित उस पर वो पूरा उतरेगा। जो आदमी अगर जो बात जनता के बीच में चर्चा का मुद्दा रहेगा, पार्टी हो सरकार हो, वो उस पर काम करेगा। मोहद्दीनगर में एक ही मुद्दा है कि यहाँ के लोग को आप टिकट दीजिए। तो इससे क्या विकास हो जाएगा, स्थानीय हो या बाहरी, इस पर क्या विकास हो जाएगा? निश्चित क्यों नहीं, इससे पहले जितना भी आप सड़क रोड ब्लॉक थाना जो भी आप देख रहे हैं सब हमारे पूर्वज का देन है। ये दोनों के राज्य में बता दीजिए ना, हम तो बोले हैं कि ये दोनों अगर एक स्कूल खोलने में कामयाब होते हैं तो निश्चित इनको बोरा भर के वोट दीजिए, हम तो ये भी बात आपको बोल रहे हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है, और पिछली बार जब हम आपसे बात किए थे तो हमारी बात हुई थी कि बाहरी बनाम यहाँ स्थानीय सांसद या विधायक क्यों नहीं बनते। जब मैंने ऑन द रिकॉर्ड, ये माइक पर तो कोई बोलना नहीं चाहे इस मुद्दे पर, लेकिन जब ऑफ द माइक बोला तो कहे कि जी ये बड़ा चुनाव है, इसमें कोई इस बात को नहीं रखता है। तो पहले इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम आपके तमाम दर्शकों को प्रणाम करते हैं, और ये जो आप बोल रहे हैं ये हर एक जनता के मन में है कि हमारे यानी हमारे यहाँ के लोग सांसद या विधायक होना चाहिए, ठीक है ना। तो निश्चित है कि बाहरी भीतरी का मुद्दा है, प्रबल है। दोनों दल वाले जो हैं, गठबंधन हो महागठबंधन हो, दोनों दूसरे ज़िले के लोग को टिकट दिए हैं, निश्चित हार जीत तो इन्हीं दोनों के बीच होना है। तो हम तो यहाँ के जो भी जनता जनार्दन हैं उनसे हम प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि अगर ये प्रत्याशी आपसे वोट लेने के लिए आए तो निश्चित आप इन लोगों को कहिए कि आप 2025 के विधानसभा में मोहद्दीनगर में, मोहद्दीनगर के लोग को लड़ाए चुनाव। यानी कि एक तरह से आप इनसे प्रॉमिस लेना चाह रहे हैं, तो प्रॉमिस पर अभी तो कौन नेता उतर रहा है? सभी देखिए, जो जो जनता के बीच में बात आती है उस पर लोग काम करते हैं। बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा रखा, राम मंदिर बनाए, 370 धारा हटाने का बात किए, 370 धारा हटाएं। तेजस्वी जी जब सरकार में आए तो उन्होंने नौकरी का बात किया, नौकरी वो दिए, लॉ एंड ऑर्डर में अब वो उस तरह का काम नहीं करना चाहते हैं। वो अपने पुराने जो शासनकाल है उसके लिए वो माफ़ी भी मांगे, ठीक है ना। तो जो जनता के बीच जो मुद्दा होता है तो निश्चित वो पार्टी करती है। इसीलिए हम मोहद्दीनगर के तमाम युवा या जो भी समाज से भी हैं या जो भी संभावित उम्मीदवार हैं, आपको घूमना है घूमिए, लेकिन उनसे एक प्रॉमिस करा के घूमिए कि मोहद्दीनगर में मोहद्दीनगर के लोग को टिकट दे। अगर ये मांग मेरा गलत है तो आप विचार कीजिए। यानी दोनों बात आप कह रहे हैं कि एक तो कह रहे हैं कि जो जो मुद्दा होना चाहिए, जो विकास का आपने बात किया कि या जो बीजेपी मैनिफेस्टो में 2014 में लेकर आई राम मंदिर 370, उस पर उन्होंने काम भी किया। 2019 में आते आते उन्होंने यह काम पूरा भी कर दिया, इवन ने 3 तलाक वाला भी पूरा कर दिया। आपने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में 10 लाख नौकरी का वादा किया था, जहां दिए कम ज्यादा नौकरी तो दिए ना, नौकरी दिया। जो जो बात करेगा वो निश्चित उस पर वो पूरा उतरेगा। जो आदमी अगर जो बात जनता के बीच में चर्चा का मुद्दा रहेगा, पार्टी हो सरकार हो, वो उस पर काम करेगा। मोहद्दीनगर में एक ही मुद्दा है कि यहाँ के लोग को आप टिकट दीजिए। तो इससे क्या विकास हो जाएगा, स्थानीय हो या बाहरी, इस पर क्या विकास हो जाएगा? निश्चित क्यों नहीं, इससे पहले जितना भी आप सड़क रोड ब्लॉक थाना जो भी आप देख रहे हैं सब हमारे पूर्वज का देन है। ये दोनों के राज्य में बता दीजिए ना, हम तो बोले हैं कि ये दोनों अगर एक स्कूल खोलने में कामयाब होते हैं तो निश्चित इनको बोरा भर के वोट दीजिए, हम तो ये भी बात आपको बोल रहे हैं। अच्छा, स्कूल की बात की है अब तो, एक अभी हाल फिलहाल का, चूँकि आपने स्कूल का बात किया और बच्चे से संबंधित भी हो गया, अभी जो भी पहले अपने क्षेत्र में या बिहार में जो महाविद्यालय थे उसमें इंटर का पढ़ाई भी होता था, अभी बंद हो गया है कुछ दिन पहले। आप देखो पटना में काफ़ी विरोध भी हुआ था, अब वो अगले सत्र यानी कि इस सत्र से जो अभी 10th पास किया अभी वहाँ पर 11th की पढ़ाई नहीं होगी,
इसके लिए भी कोई ना सांसद विधायक कोई भी आवाज नहीं उठाते। अरे हम बोले ना कि जनता के बीच में जो मुद्दा होता है सरकार सिर्फ उसी पर काम करती है। जैसे 5 किलो अनाज का मुद्दा था, 5 किलो अनाज मिला। मोदी जी के चेहरा के नाम पर वोट यानी मुद्दा था तो मोदी जी के चेहरा के नाम पर वोट मिला और वो प्रधानमंत्री बने। लालू जी के समय लालू जी के चेहरा देखकर लोग वोट दिया तो वो मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी यादव बोले कि हम नौकरी देंगे तो नौकरी दिए, ठीक है ना। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो वादा कर रहा है उसको पूरा किया जाए, उसको आप वोट दीजिए, ये ना आप कह रहे हैं? नहीं ना, हम ये सिंपल ये बोल रहे हैं कि आपको अगर वोट देना है तो ये प्रॉमिस करा के दीजिए ना कि 2025 में मोहद्दीनगर के लोग पे टिकट दे। क्या ये मेरा मांग गलत है? तो सिर्फ मोहद्दीनगर का बात कर रहे हैं या पूरे उजियारपुर में जितनी भी 6 विधानसभा? अभी तो देखिए हम तो मोहद्दीनगर का भी हैं, मोहद्दीनगर में हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी तो हम सिर्फ मोहद्दीनगर की ही आपसे बात कर रहे हैं। जब हम लोग मोहद्दीनगर में अगर विजयी होते हैं तो निश्चित आगे का बात आगे करेंगे। चलिए मोहद्दीनगर का आपने बोले कि जो बीजेपी आई 370 हुई, तो 370 से मोहद्दीनगर के लोगों और राम मंदिर से और 3 तलाक से मोहद्दीनगर के लोगों को क्या फायदा हुआ? हम फायदा नुकसान की बात आपसे हम नहीं किए। जो जनता के बीच में जो मुद्दा रहता है, जो बात होता है, वो पार्टी या वो दल या वो सरकार वो काम करती है, ये हम बोल रहे हैं। तो स्थानीय सांसद जो हैं अभी, ये इनका तो कोई भी मोहद्दीनगर में योगदान नहीं हुआ उस हिसाब से? योगदान तो मेन है कि ये पार्टी से टिकट लेके आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तो जानवे करते हैं कि जो भी जनता है वो पार्टी में बटे हुए हैं। हम तो बोल रहे हैं कि मोहद्दीनगर में मोहद्दीनगर के लोग को चुनिए। तो आपके सवाल पर ही आते हैं, 2020 में फिर से यही बात हम करें कि विधानसभा का जब चुनाव होता था काफ़ी लोग चर्चा में करते थे कि स्थानीय होना चाहिए, अपनी माटी अपना नेता होना चाहिए, और वही आदमी अब मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं और कैंडिडेट होते हैं यहाँ पर बीजेपी के जो भी हैं नित्यानंद राय जी वो होते हैं। तो क्यों नहीं कि जब मोदी के नाम पर ही वोट देना है तो स्थानीय को दे दे, ये विद्रोह खत्म हो जाती है? वही तो बात हम बोल रहे हैं कि आप स्थानीय को टिकट दीजिए, ठीक है ना। जैसे लोग अपना जब चुनाव लड़ते हैं तो उस समय हाजीपुर सोनपुर बोलते हैं, ठीक है ना। जो भी यहाँ विधानसभा चुनाव होता है तो आपको ज़्यादातर सुनाई ये देता होगा, ठीक है ना। यही चीज़ अगर अभी बोलेंगे तो निश्चित है कि हाजीपुर और सोनपुर से हम लोग को आज़ादी मिल जाएगा। अभी यहाँ पर RJD का अलोक कुमार मेहता जी काफ़ी लोगों से मिल भी रहे हैं और रुझान भी लगभग निकल कर आने लगा है। 20 तारीख के बाद शायद नॉमिनेशन भी होगा सबका। तेजस्वी, जैसे कि उन्होंने बोला कि तेजस्वी जी ने 17 महीने में जो रोजगार दिया है उस पर ही लगातार वह बात कर रहे हैं। अभी नित्यानंद राय जी की तरफ से आ रहा है कोई ऐसा नहीं आ रहा है बात की उनके जो कार्यकर्ता बोले कि राम मंदिर बन गया, 3 तलाक हटा दिया गया, 370 हटा दिया गया, वो सीधा कह रहे हैं कि 400 पार इस बार मोदी जी को दिलाना है। काम पर वोट नहीं मांग रहे, सिर्फ जो राम मंदिर बनाया उसी पर, जो उन्होंने 2014 में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया इस सब का चर्चा ही नहीं हो रहा है। तो कैसे आप बात कर रहे हैं कि फिर स्थानीय हो चाहे बाहरी, कोई भी आदमी तो चर्चा ही नहीं कर रहा, स्थानीय लोग भी इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अरे हमारा देखिए अभी ये सब कंसर्न में हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हमारा सिंगल मुद्दा है, ठीक है ना, कि मोहद्दीनगर में मोहद्दीनगर के लोग विधायक हो, हमको वो सम्मान मिलना चाहिए। क्या हम सम्मान के भागी नहीं है? है ना, सम्मान के भागी हमको सम्मान दे दीजिए। चर्चा भी तो नहीं करते हैं, जब माइक लगाते हैं तो हट जाते हैं। हट जाते हैं तो ये दुखद है, ठीक है ना। हम तो बोले हैं कि हर एक टोला, हर एक मोहल्ला, हर एक समाज के बीच में हम बैठकर ये बात हम बोलेंगे कि मोहद्दीनगर में मोहद्दीनगर के लोग को आप जिताइए, ठीक है ना। ये मेरा कहीं से कोई गलत नहीं। अगर कोई आप जो भी प्रत्याशी हैं उनसे भी अगर कहवा दीजिएगा कि ये जो मेरा मुद्दा है ये गलत है तो निश्चित हम कल से हम अपना वापस ले लेंगे। यानी कि सिर्फ आपका आपका अपना ओपिनियन या जो मेरा सम्मान है, सिर्फ सम्मान मेरा पति में है, मेरा एक ही एजेंडा है सम्मान। सबसे पहले हमको सम्मान मिलना चाहिए, उसके बाद हम लोग विकास की बात करेंगे। या जो हमको तो अभी तक सम्मान ही नहीं मिल रहा है ना, 2015 के बाद से तो हमारा तो कोई सम्मान ही नहीं है। 2015 तक तो लगातार आप ही के माटी तो जितना जितना भी आप सड़क पुल स्कूल देख रहे हैं वो कौन बनाया? 2015 से पहले वाले ही विधायक बनाए ना, 2015 के बाद वाले विधायक का एक योगदान आप बता दीजिए ना। हम तो बोल रहे हैं कि अगर एक स्कूल अगर वो खोलने में कामयाब होते हैं, सिंगल स्कूल अगर वो नया खोलने में कामयाब होते हैं तो उनको बोरा भर के वोट। 2015 के बाद सरकार भी कहाँ स्थायी रह रही है बिहार में? और सरकार स्थायी रहे नहीं रहे विकास होना चाहिए ना। क्यों नहीं लोग करा पाते हैं विकास? दोनों आदमी सत्ता में रहे, दोनों आदमी रहे ना सत्ता में, एकदम तराजू पे रहते, कब इधर ज्यादा है। अरे रहे ना कुछ दिन के लिए रहे या ज्यादा दिन के लिए रहे ना, ये लोग एक स्कूल नहीं खुलवा सकते हैं।
अरे इन लोग को तो सिर्फ पार्टी में कोई अहमियत नहीं है, पार्टी में इनको पिछला स्टूल कुर्सी दिया जाता है बैठने के लिए, ठीक है ना। ये मोहद्दीन का मुद्दा पर पटना में बात नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा विधायक हम लोग को क्यों चाहिए। अभी सांसद का चुनाव है तो सांसद में भी यही आप लागू करते हैं कि जो स्थानीय होना चाहिए एकदम निश्चित। अगर मान के चलिए अगर हम जीतेंगे 2025 तो 2029 में भी आपको उजियारपुर में उजियारपुर के लोग सांसद दिखेंगे, क्योंकि ये धरती जो है वो कर्पूरी ठाकुर जी का धरती है, सत्यनारायण सिन्हा जी का धरती है, अजीत कुमार मेहता जी का धरती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कहा कि हमें स्थानीय सांसद और उनसे एक प्रॉमिस किया जाए कि जब यहाँ से वो जीत कर जाते हैं तो विधानसभा में स्थानीय नेता को प्रथम हम उनसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, और वो तमाम संभावित उम्मीदवार से भी हम आग्रह करेंगे कि अगर आपको घूमना है तो घूमिए, लेकिन उनसे कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करवा लीजिए कि मोहद्दीनगर में मोहद्दीनगर के लोग को वो टिकट देंगे। चलिए धन्यवाद धन्यवाद।